और इन दिनों मधुपुर महाविद्यालय में सेमेस्टर 4 की परीक्षा संचालित हो रही है। परीक्षा संचालन को लेकर बिल्कुल ही कदाचार मुक्त ढंग से परीक्षा संचालन हो, इसको लेकर के प्राचार्य, परीक्षा नियंत्रक, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी तत्पर हैं। प्राचार्य का साफ निर्देश है कि परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल व चीट पुर्जा लेकर नहीं आए। उनका अनुरोध साफ तौर पर है कि सभी एडमिट कार्ड और पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में सेमेस्टर 4 की परीक्षा संचालित हो रही है। शनिवार को इतिहास, राजनीति शास्त्र व दर्शन शास्त्र विषय की परीक्षा ली गई। परीक्षा में कुल 466 छात्र छात्राओं में 13 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्राचार्य सह केंद्र अधीक्षक डॉ. रत्नाकर भारती व परीक्षा नियंत्रक डॉ. उत्तम शुक्ला ने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त ढंग से संचालित हो रही है। इस वर्ष से अच्छे तरीके से परीक्षा महाविद्यालय में संचालित हो, इसको लेकर सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षार्थी सिर्फ एडमिट कार्ड और कलम लेकर ही परीक्षा कक्ष में उपस्थित होंगे। मोबाइल किसी के पास नहीं है? होता है? सर, अगर लाते हो तो आज हमारे महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र कोर 10वां पेपर की परीक्षा प्रथम पाली में आयोजित की गई, जिसमें कुल 466 बच्चे टोटल एपियर मैंने का भाग लेना था, लेकिन उसमें 13 बच्चे एबसेंट रह गए। कुल 453 बच्चे परीक्षार्थी परीक्षा दिए। परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संचालित हुई। हमारे कंट्रोलर साहब डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला जी पूरे तत्परता के साथ परीक्षा कंडक्ट कराए हैं। मैं दिल से इनको थैंक्स देता हूं। और हमारे सभी साथी, जितने भी मेरे कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इस परीक्षा को संचालित कराने में सबका मैंने बहुमूल्य योगदान रहा है, सराहनीय प्रयास रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में जो भी परीक्षा संचालित होगी आगे भी वह कदाचार रहित वातावरण में ही संचालित होगी। मैं अभिभावक को, यहाँ के बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्हें अभिभावक से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को कॉलेज भेजें। कॉलेज में पठन पाठन का वातावरण कायम हुआ है और मैं खुद क्लास लेता हूँ। मेरे सारे टीचर यंग एनर्जेटिक क्वालिफाइड हैं, सभी क्लास में इंटरेस्ट लेकर पढ़ाते हैं। इसलिए अभिभावक बच्चों को भेजें और बच्चों को भी पढ़ना ही होगा। प्रतियोगिता का युग है, बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे,